नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत अच्छी न्यूज़ के बारे में। बहुत बड़ी न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। देखिए, यहाँ पे एक आया है नोटिफिकेशन, एक गवर्नमेंट ने जारी किया है कि अब से जितने भी कंट्री जो अपना इंडिया से लैंड शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, उस सब पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, ये देखते हैं। देखिए, ये मेनली मैं बता दूँ, ये चाइना को टारगेट करने के लिए, ठीक है, मेनली चाइना के लिए ही है। लेकिन गवर्नमेंट इनडायरेक्टली बात बोल रही है, डायरेक्ट नहीं बोल रही है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ 23 जुलाई 2020 अमेंड द जनरल फाइनेंस रूल 2017 टू इनेबल इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन बिडर फ्रॉम कंट्रीज विच शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडियन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो अपना शेयर करते हैं बाउंड्री इंडिया के साथ, उन पर रिस्ट्रिक्शन लागू होगा। ठीक है, तो एज पर द ऑर्डर एनी बिडर फ्रॉम सच कंट्री शेयरिंग अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया विल बी एलिजिबल टू बिड इन एनी प्रोक्योरमेंट वेदर गुड सर्विसेज और वर्क ओनली इफ द बिडर इज रजिस्टर्ड विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब अब जितने भी जो भी प्रोक्योरमेंट करने के लिए आएगा, ठीक है, बिडिंग के लिए, उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पर रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ेगा। जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन सबसे क्लियरेंस मिल जाएगा तभी वो एलिजिबल है। देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एंड होम अफेयर्स रिस्पेक्टिवली विल बी मैंडेटरी है। मतलब अब कोई बाहर से कंपनी आई, ठीक है, सपोज कोई चाइना से कंपनी आई, अब वो अपना कोई सर्विस प्रोवाइड करी इंडिया को, ठीक है, कोई मान लो प्रोजेक्ट इंडिया में हाईवे बन रहा है, ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कोई सामान उमान चाहिए और कोई वर्कर चाहिए, ठीक है, कोई सामान वान चाहिए, कोई वर्कर चाहिए, कोई भी स्टील जो भी चाहिए सामान। तो मान लीजिए बाहर से कई सारी कंपनियाँ आएँ और उसमें से एक चाइना भी कंपनी आ गई, ठीक, चाइना भी कंपनी आई, तो चाइना बोली भैया तुम मेरा भी सामान ले लो, हम भी अपना वर्कर दे रहे हैं, बेसिकली हम भी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम भी कर लो। तो उस सब तो उसके लिए चाइना को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चाइना को यहाँ पर रजिस्टर कराना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके पास पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा एक्सटर्नल एंड होम अफेयर्स इंडिया के। जब तक ये क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक वो कंपनी नहीं एलिजिबल हो सकती, ठीक है। तो ये रूल बना दिया गया, सिंपल सी बात है। तो सिंपल से बात है, चाइना को ही टारगेट करके बोला गया, ठीक है। तो ये है, तो अब इतना आसानी से, जैसे पहले चाइना बहुत ज़्यादा डंप कर देता था माल और बहुत ज़्यादा सर्विसेज चाइना इंडिया में देता था, ठीक है, अपना पूरा वर्कर भेज दिया, या वर्कर नहीं भेजा तो ढेर सारा स्टील डंप कर दिया, ढेर सारा मतलब जो भी करता था वो सब। अब मतलब हम लोग बेसिकली अपना जो सब ट्रेड वेड है वो थोड़ा थोड़ा हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे चाइना से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अब देखिए, इसमें कुछ वो भी है, लिमिटेशंस भी, एक्सेप्शन भी, वो क्या मैं बताता हूँ। ये देखिए, पर प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन एक्सेप्ट, देखिए प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ, मतलब ये अगर कोई बाहर कोई चाइना की कंपनी आई और वो किसी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट प्राइवेट सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करिए या कुछ इन्वेस्ट ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए कोई ये रूल लागू नहीं होता। ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑटोनॉमी, पब्लिक सेक्टर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब के लिए लागू होता है। और ये सभी बड़े बड़े चीज़ें हैं, राइट, प्राइवेट सेक्टर में उतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती ही नहीं है। मेन जो गवर्नमेंट का पब्लिक प्राइवेट जो मेन गवर्नमेंट का जो होता है प्रोजेक्ट, वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का, उसमें सर्विस देने का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो उसी पर गवर्नमेंट ने लगा दिया कि जितना गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी कुछ होगा, सब कुछ परमिशन पहले आपको लेना पड़ेगा अच्छे से, बिना परमिशन का कुछ नहीं कर सकते। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा होगा, ठीक है। इट हाउवर एक्सेप्टेड सच कंट्री टू बिट इंडिया प्रोवाइड, देखिए हाँ, ये उस कंट्री का एक्सेप्शन है जिसको इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, उस कंट्री पे भी एक्सेप्शन है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब कि वही की पैसा दिया हुआ है, मतलब पैसा दिया हुआ है या डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रहा है कंटिन्यूस, तो उसके लिए ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिला जुला के बोले तो ये चाइना पे ही सीधे टारगेट है और कुछ नहीं है, उसी के लिए बनाया ही गया है ये, ठीक है, कि जो चाइना इतने साल से करता आ रहा है वो सब नहीं करेगा ये सब चीज़ें, और चाइना से मतलब थोड़ा दूरी भी बन जाएगा, और जितना दूरी बने उतना अच्छा है, और इस सबक सिखाने के लिए चाइना को बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कि अब चाइना जो इतना आसानी से सब कुछ कर लेता था, ट्रेड हो गया या इन्वेस्टमेंट हो गया, सर्विस हो गया, या जो गलत तरीके से स्पाई हो गया, सब कुछ का अब धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट सब पे बारी बारी से एक्शन ले रही है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं अब ये, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। द न्यू प्रोविजन विल अप्लाई टू ऑल न्यू टेंडर, तो सारे न्यू टेंडर पे अप्लाई होगा। और पता है, जितने भी प्रीवियस टेंडर है चाइना के साथ थे, जैसे उत्तर प्रदेश में रोड के लिए, रेलवे के लिए, हाईवे के लिए था, बहुत जगह हाईवे के लिए था, और सोलर पैनल के लिए टेंडर था, जितने भी टेंडर चाइना के साथ थे अभी ना, वो सारे गवर्नमेंट कैंसिल कर दी, सब गवर्नमेंट कैंसिल कर दी कि नहीं भैया हमको टेंडर ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो सारा टेंडर कैंसिल कर दी। अब न्यू टेंडर के लिए अब चाइना आएगी तो फिर उसको ये सब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगी, कुछ कुछ कंडीशन में अलाउ कर सकती, नहीं तो सब अलाउ ही नहीं करेगी। एक एक टेंडर के लिए अब गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा चाइना को, तो ये है दिक्कत, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।